देश भर में धमाका कर रही द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर एक बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्मों से समाज में सच सामने आता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक लंबे समय से जिस सच को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, वो अब सबके सामने लाया जा रहा है। पीएम मोदी ने एक बड़ी बात ये कही कि जो लोग सच छुपाने की कोशिश करते थे, वो आज इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम से मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने इस फिल्म की जमकर तारीफ भी की थी। कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाती ये फिल्म कई लोगों के दिल में उतर गई है और लगातार लोगों की भावनाएं इस फिल्म के साथ जुड़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर पहले भी फिल्में बनी हैं, लेकिन कभी भी इतनी निष्पक्षता और गहराई में जाकर इस पर बात नहीं की गई। सोशल मीडिया पर तो लोग यहां तक बोल रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ मोदी सरकार के समय में ही बनाई जा सकती थी। अगर सत्ता में कोई दूसरी पार्टी होती तो वो इस फिल्म को कभी रिलीज नहीं होने देते। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जिस फिल्म को कुछ लोगों ने प्रमोट करने से मना कर दिया था, उसे तो खुद पीएम मोदी ने ही प्रमोट कर दिया। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद कई लोगों का कहना है कि उन युवाओं को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए जो कश्मीर में हुई इतनी बड़ी त्रासदी के बारे में जानते तक नहीं है। द कश्मीर फाइल्स इतनी देखी जा रही है कि थिएटर फुल हो चुके हैं, लोगों को टिकट्स नहीं मिल रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना किसी बड़े प्रमोशन के इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो लोग फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, उनकी आंखें नम हैं। इस फिल्म को देखने के बाद कई लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए और रोने लगे। देश के अलावा इस फिल्म की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.